हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट नेचर एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसका नाम है कॉक्सकॉम। ये अमेरिंथ फैमिली से बिलोंग करता है, सेलोसिया के नाम से ज़्यादा फेमस है। पर सेलोसिया एक ठो वर्टिकल वेराइटी है और ये जो है पूरा वेलवेट की तरह फैल जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और मेरा तो बहुत ही फेवरेट फ्लावर है ये। फ्रेंड्स, इसमें कलर वेराइटी की बात करें तो इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स आते हैं। मेरे पास फ़िलहाल रेड और येलो के अंदर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं पूरा वेलवेट की तरह और इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगता है। और इसकी खास बात यह है कि इसी में ये फैलता रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें दो वेराइटी आती है, एक देसी वेराइटी और ये जो आप देख रहे हैं ये है हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी के अंदर में फ्रेंड्स, इस छोटे से प्लांट में बड़ा फ्लावर हो जाता है। बट देसी वेराइटी के अंदर में बहुत ऊँचा प्लांट होता है, कभी कभी 4-5-6 फुट हो जाता है और बहुत सारे उसमें ब्रांचेस भी होती हैं। और ये जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है। पूरा वेलवेट की तरह बहुत ही सुंदर फ्लावर है ये। और इसी केयर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इसे आप यदि इंडोर या सेमी इंडोर रखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं ग्रो कर पाएगा ये। इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। वैसे तो इसे एनुअल प्लांट कहते हैं, बट फ्रेंड्स ये ज़्यादा कूलर एरिया में विंटर के समय इसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि कूलर एरिया में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। फ्रेंड्स, यदि इसे सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल और इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, एल्कलाइन सॉइल पसंद नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट है, इसे थोड़ी सी एसिडिक, करीब करीब आपका यदि 5 से लेकर 6.5 तक होता है पीएच इसका, तो ये बहुत अच्छा है इसके लिए सॉइल। और फ्रेंड्स, यदि आप इसे थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखते हैं या फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है तो इसमें थोड़े फंगस लगने के प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी इस डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें आप सीड्स बहुत अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आज कि इसमें कैसे सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसे बहुत इजीली सीड डेवलप होते हैं। बट एक तो टिप ये भी है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा प्लेन पोर्शन यहाँ सीड्स नहीं बने हुए हैं और जो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे सीड पॉट से जो डेवलप हो रहे हैं। और टिप ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका ये फ्लावर बहुत अच्छे से ग्रो करे तो आप इसमें सीड्स बनने मत दीजिए, क्योंकि यदि सीड्स बनेंगे तो फिर उसके बाद में फ्लावर ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड्स बनाने में ही लगा देगा। मुझे थोड़े से सीड्स चाहिए थे तो मैंने इसकी केयर नहीं करी और देखिए पूरा का पूरा एरिया जो है सीड्स से भर गया है। आज हम ये सारे सीड्स कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर से धीरे धीरे नए सीड्स नहीं बनने देंगे। फ्रेंड्स, आप किसी पेपर में या किसी प्लेट में इसको इस तरह से रख लीजिए कि इसके सारे सीड्स जो है इधर उधर नहीं बिखरे। और आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके फोकस करता हूँ कि आप आराम से देख सकें इसके सीड पॉट्स कैसे बनते हैं। ये देखिए जो गोल गोल बॉल है इसके ऊपर कैप है, ये आप हल्का रब करेंगे अपने फिंगर से तो ये सब बॉल्स के जो कैप हैं खुल जाएंगे। और इसके अंदर में ही ये जो ब्लैक कलर के दाने दिख रहे हैं ये करीब 5-7 दाने होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके सीड पॉट में सीड्स पूरे नहीं मैच्योर हुए होंगे तो वाइट रंग के दाने होंगे और ये सब मैच्योर हो गए हैं, इसीलिए ब्लैक कलर के सीड्स हैं जो बहुत ईजीली आपको दिख जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मैच्योर हो गए हैं और सारे सीड्स एकदम तैयार हैं। हमें इन सबको आज हटा देना यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा सीड्स ग्रो होने से यही होता है कि ऊपर का फ्लावर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, कि पूरी की पूरी एनर्जी जो होती है सीड्स बनने में कंज्यूम होने लग जाती है। और आप इसके अंदर में हर 15 दिन के अंदर में थोड़ी सरसों की खली का पानी या लाइट कोई फर्टिलाइज़र हो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की इसको दरकार नहीं है। आप सरसों की खली का पानी देते हैं या कभी 2-4 दाने इसको दे दिया आपने DAP के NPK के तो बहुत ज़्यादा है, एनफ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे के सारे दाने जो दिख रहे हैं हम इन्हीं को कलेक्ट कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये काले तिल होते हैं उस तरह से, और बहुत इजी टू ग्रो भी हैं। आप इन्हीं को सॉइल में डाल दीजिए, आराम से ग्रो हो जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, ये आप जून जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं, बट क्या होता है कि ज़्यादा विंटर आने पे ये ज़्यादा दिखता है प्लांट्स। स्पेशली हाइब्रिड वेराइटी के लिए विंटर्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल है,
इसीलिए इस समय अपने को बहुत सारे इसके जो कलर्स में ये अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स हर नर्सरी में। ये सारे के सारे जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे उस सीड पॉट्स के कैप थे और ये है सीड्स। इसको आप किसी कागज़ में बांध के भी रख सकते हैं कि थोड़े से और ड्राई हो जाएं, डायरेक्ट धूप में रखने की दरकार नहीं है, और मैं यूं ही इन्हें सॉइल में डाल दूंगा। बहुत शाइन कर रहे हैं, एकदम ग्लॉसी इसका टेक्सचर है। तो फ्रेंड्स इतने से में ही बहुत सारे सीड्स कलेक्ट हो गए हैं और रेड वाली वैरायटी के अंदर में कुछ ज़्यादा सीड्स अभी बने नहीं हैं और थोड़े से सीड्स और बन जाए, मैं इसे भी कलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में मैं और आगे सीड्स बनने नहीं दूँगा ताकि मेरा फ्लावर ज़्यादा ग्रो करे। हमने बहुत से सीड्स हटा दिए हैं, अभी के लिए इनफ है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स आप इसे बहुत ही आसानी से अपने बैलकोनी में, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इतना अच्छा फ्लावर है ये। तब तक के लिए बाय बाय।